देखा बालू, जो लड़के कल तक शेर की तरह गरजते फिरते थे, आज किस तरह यहाँ मुंह लटका कर खड़े हैं मेरे सामने, देख लो। पश्चाताप कर रहा है सत्या, जाने दो। आखिर हमारे टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है ये। चलो, इनकी समझ में आ गया और ये वापस मेरे पास आ ही गए। अब से तुम लोग सड़क के खुले सांड नहीं हो, दुश्मनों का नाश करने वाले चीता हो। इधर मत आना, मार इसे पंकज, इधर कोई नहीं आएगा, बोल देता हूँ। मार पंकज, मार तेरी तो। मुझे मत मार, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पैर जोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं। मेरे साथ कोई नहीं आएगा सामने, कोई नहीं, छोड़ो, तुम लोग मुझसे दूर रहो, कह रहा हूँ, देखो छोड़ो। जब हमने सारे केसेस को क्रॉस चेक किया तो सारे क्लूज सत्या और छपरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सर, और उनके साथ कुछ और लड़कों के शामिल होने का भी हमें अंदेशा है सर। कुछ लड़के तो कम उम्र में ही गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं सर, हमारा युद्ध गलत दिशा में जा रहा है सर। यस मिस्टर प्रताप, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, चाहे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो उसे ऑन द स्पॉट ही गोली मार दो, हमें कानून के हिसाब से उनका खात्मा करना होगा। अरे भाई का फोन आ रहा है यार। ए पंकज, पुलिस ने पूरे सिटी को राउंड अप किया हुआ है और छपरी का आदमी मेरे होटल में आके मुझे धमकी देकर गया है, अगर तू उनके हाथ में लग गया ना तो वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है, तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालेंगे वो। होशियार रहना भाई, हमारी बात छोड़ो। क्या यार, पूर्णी कैसी है भाई? हाँ देता हूँ, ले लो। पंकज क्या है ये सब? तुम जानती हो पूर्णी, भावना दीदी को वो बालू और सत्या ने मिलकर मारा है। पंकज,
उसके लिए पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, तुम कौन होते उसे सजा देने वाले? लाओ इधर दो। हेलो, ए पंकज, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम सब जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। ऐसा नहीं है, मेरी बात मानो, पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारे बेल के लिए मैं ट्राई करूंगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पूर्णी का ध्यान रखना है भाई। मैं पूर्णी का ख्याल अपनी बेटी से ज्यादा रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई। अंकल, मेरे पापा के पहचान के राम प्रसाद नाम के एक फेमस लॉयर है, बेल के लिए उनसे हेल्प ले सकती हूँ, मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। तुम वहाँ अकेले मत जाओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हमारी जिंदगी कहाँ जा रही थी, कहाँ आ गई यार। हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाने वाली भावना दीदी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत गलत हुआ यार, बहुत भूख लगी है यार, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा है। यहाँ हाईवे के पास एक ढाबा है यार, कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, पैसे है तो देना। अरे सुन, एक दो प्लेट एक्स्ट्रा लेकर आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी लेके आता हूँ। ए टकले, अब मैं भी चलता हूँ, एक सुट्टा मार के आएंगे। ठीक है चल। ए सुन सुन सुन, जानते हो ना, वो छपरी पहले से ही हमें मारने की कोशिश में लगा हुआ है, तुम लोग सावधानी से जाना और ठीक से आना। वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, उसके छोड़ो, लेकिन पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, संभल के रहना। ठीक है ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, जाते जाते 50 रुपए का रिचार्ज करवा देना। ठीक है। बाबा, माँ, पापा। ए पंकज, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। माँ कैसी है पापा? वो आज सुबह से बहुत कमजोर हो गई है बेटा। सुबह डॉक्टर के पास ले गया था, कुछ दवाई दी है, एक दो टेस्ट भी लिखा है। आप चिंता मत कीजिए पापा। बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। ठीक है पापा। खुश रहो बेटा। पंकज, क्या हुआ? अरे जरा जल्दी चलाओ भाई। ए रुको, ए मंकरी रुको। अरे भाई रुक। क्या हुआ, क्यों गाड़ी रोकी? ऐसा क्यों किया, जरूरी था क्या? पंकज कहाँ है? वो हनुमान मंदिर के पास, एकदम सेफ है। देखो जो हुआ सो हो गया, पूर्णी की पहचान वाला एक लॉयर है, हम बेल के लिए उससे बात करने वाले हैं, तब तक तुम लोग होशियार रहना। अरे क्या कर रहा पूर्णी? छोड़ दो, क्या कर रहा हो? मुझे चप्पल से मारा था ना? छोड़ दो उसे, उसे कुछ मत करना। चल। हे रुक। चल अंदर। चल अंदर, चल। पूर्णी, चप्पल तेरे को भी डाल दूंगा। पूर्णी, ये क्या हुआ?